हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ चुकी है। केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार द्वारा चलाई गई पीएम किसान सम्मान निधि योजना को अब बढ़ा दिया गया है। जी हां दोस्तों, अब तक 6000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब 6000 रुपए की जगह मिलेंगे 15000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में। तो दोस्तों कैसे मिलेंगे 15000 रुपए और कैसे आपको आवेदन करना है, कौन सी सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है या राज्य सरकार, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, एंड तक वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास आए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आप देख सकें हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यानी पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 6000 रुपए की जगह अब मिलेंगे 15000 रुपए सीधे बैंक खाते में। स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन ने सोमवार को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए केंद्र सरकार की ओर से पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि को बढ़ाकर 15000 रुपए प्रतिवर्ष कर देने का सुझाव दिया है, यानी कर दिए गए हैं। बता दें कि आपको इस योजना के तहत ज़्यादा आय वालों को छोड़कर सभी किसानों को दो हज़ार रुपये की 3 किस्तों के प्रति वर्ष कुल 6000 रुपये की मदद मिलती थी सीधे उनके बैंक खाते में, लेकिन अब 15000 रुपये मिलेंगे, यानी 5000 रुपये की 3 किस्तों में मिलेंगे 15000 रुपये हर साल। जो यहाँ दोस्तों जब प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन की अगुवाई वाले स्वामीनाथन फाउंडेशन की ओर से एक बयान जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि मौजूद समय में पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मौजूदा नुकसान की भरपाई करने और अगली फसल की बुवाई की जरूरत के लिहाज से अपर्याप्त है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा कहा गया है कि कृषि और बागवानी विभाग को सब्जी और फलों जैसे जल्द खराब होने की संभावना वाले कृषि उत्पादों का वितरण करने के लिए शीघ्रता से कदम उठाने चाहिए। जारी बयान में ये भी कहा गया है कि खेतिहार मजदूरों को उनके गांव में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं और उनके लिए सुरक्षा के पर्याप्त उपाय भी किए जाने चाहिए। तो दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब मिलेंगे 15000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत के लघु एवं सीमांत किसानों के लिए समर्पित है। इसका उद्देश्य देश के किसानों की आय में वृद्धि लाने के लिए आर्थिक मदद करना है। इस योजना के तहत देश के तकरीबन 14 करोड़ किसानों को हर साल दो हज़ार रुपए की 3 किस्तें मिलेंगी, यानी साल में हर लाभार्थी किसानों को 6000 रुपए केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक मदद के रूप में दिए जाते थे, लेकिन अब 5000 रुपए की किस्त मिलेगी और 15000 रुपए मिलेंगे हर साल। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज। किसानों के पास पीएम किसान योजना के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज होने चाहिए: आधार कार्ड, बैंक खाता, भूमि होल्डर दस्तावेज, नागरिकता प्रमाण पत्र। पंजीकरण करने के बाद किसान को www.pmkisan.government.in पर आवेदन, भुगतान और अन्य वितरण की स्थिति की जांच करते रहना चाहिए। जी हां दोस्तों, आपको इन कागजातों की ज़रूरत पड़ेगी अपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए। जी हां दोस्तों, अगर आपके पास ये सारे कागजात हैं तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब किसानों को 15000 रुपए मिलेंगे, पहले 6000 रुपए मिलते थे। तो दोस्तों सभी किसानों के लिए बहुत बड़ी खबर है, सभी किसानों को 6000 की जगह मिलेंगे अब 15000 रुपए हर साल। जी हाँ दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।